हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसा हेयर ऑयल बनाने के लिए बताऊंगी जिसको कि यूज करके गाइस आप अपने हेयर फॉल को काफी हद तक के कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपके बाल काफी ज्यादा ड्राई हो गए हैं, काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, आपका जो हेयर है गाइस वो जल्दी बढ़ नहीं रहा है गाइस, तो ऐसे कंडीशन में आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं, अपने बालों में इस्तेमाल कीजिएगा। आपको 10 से 15 दिन में ही गाइस आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि बाल गिरना अच्छी बात नहीं होता है। अगर आपके नॉर्मल बाल जैसे 5-10 गिर रहे हैं तो वो तो नॉर्मल होता है, वो हर लड़की के साथ होता है। अगर आपके लंबे बाल है गाइस तो थोड़ा बहुत आपको गिरता ही है, लेकिन अगर आपको डेली अगर 20 से 25 बाल डेली जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे टेंशन होती है, बालों में ऐसा क्या लगा है जिससे कि अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सके। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे इस ऑयल को तैयार करते हैं बिल्कुल नेचुरल। सो गाइस, यहाँ पे मैं इस तेल को रेडी कर चुकी हूँ और आपको बताऊंगी गाइस कि इस तेल को किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो मैं ऐड करी हूँ गाइस बिल्कुल नेचुरल है। आप उसको अगर यूज करेंगे गाइस तो आपके जो बाल हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगर आपके बाल हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं, लाइक आपके उड़ गए हैं, आपके जो बाल के जो स्कैल्प है ना वो आपको दिख रहे हैं तो बहुत ही गंदा लगता है, अगर किसी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। सो फ्रेंड, आप इस ऑयल को अगर लगाते हैं, लगातार अगर लगाएंगे गाइस तो आपको हेयर ग्रोथ के साथ साथ हेयर रीग्रो भी होता है, तो आपको ये 1 से 2 बार जरूर से ट्राई करना होगा। और मैं इस ऑयल को गाइस बना करके और इस तरीके से स्टोर करके रख चुकी हूँ, क्योंकि आप इसे स्टोर करके रखेंगे ना तो आपको आराम से 1 महीना 1.5 महीना तक इसे यूज कर सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट टाइम लगेंगे और बहुत ही इजी है, आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। सो फ्रेंड, चलो चलते हैं आज की इस वीडियो में। मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ये ऑयल को बनाना है, तो चलो चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ऑयल है वो रेडी हो चुका है। सो देख सकते हैं बनने के बाद किस तरीके से ये लग रहा है, क्योंकि ये बालों में गाइज 100% वर्क करता है। सो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये हेयर ऑयल को मैं बनाई हूँ धीरे धीरे करके। और इसको बनाना गाइज काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इफ़ेक्टिव होगा आपके बालों में। ये बालों को कितने भी प्रॉब्लम होंगे गाइज उसको ख़त्म कर देगा। ये इतना अच्छा होता है, एक इसको हेयर ट्रीटमेंट ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम होते हैं गाइज अक्सर बालों को ड्राइनेस होना, हेयर फॉल होना, तो ये ख़त्म करता है। सो उसके लिए यहाँ पे हम 50 ग्राम कोकोनट ऑयल को ले लिए हैं, इस तरीके से आपको लेना है। और उसके बाद गाइज आपको रखना है, क्योंकि कोकोनट ऑयल है ना वो बालों को ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो यहाँ पे आपको लेना है स्टील का बर्तन और उसको इस तरीके से डाल लेना है। और डालने के बाद गाइस आपको, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं 50 ग्राम 100 ग्राम, मैं यहाँ पे 50 ग्राम ली हूँ। और इसके बाद मीडियम फ्लेम पर गाइस इसको 5 मिनट के लिए गर्म कर दूंगी, मीडियम नहीं बोल सकते, लो फ्लेम पे इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज़ करना है कढ़ी पत्ती। कढ़ी पत्ती में बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके बालों को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, प्रोटीन से भरा हुआ होता है ये कढ़ी पत्ती। तो आपको इस तरीके से तेल में डालना है और आपको 5 मिनट लो फ्लेम पे जलाना है। अगर आपके पत्तियों का कलर इस तरीके से हो जाएगा इस, तो आपको हटा लेना है, मतलब आपके कलर जो है ब्लैक हो जाए। देन उसके बाद 5 मिनट छोड़ करके आपको तेल को निकाल लेना है किसी तरीके से छान करके, ताकि आपके जो भी पत्तियां हैं वो बाहर निकल जाए और आपके जो तेल है वो इस तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे हमारा तेल बन के रेडी हो चुका है और आप इसे अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प पे लगाएं। अगर ड्राइनेस है बालों में गाइज वो आपको जाएंगे, बाल बहुत ज़्यादा फिजी हो गए हैं वो भी चले जाएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं इसे स्टोर करके रखने के लिए मैं एक खाली सा डब्बा लिए हैं और इसमें मैं रख दूंगी। और उसके बाद गाइज आप इस ऑयल को महीनों दिन तक के आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी खराबी नहीं होगा और आपके बाल कुछ ही दिन में गाइज बहुत ही अच्छे घने मोटे लगने लगेंगे। क्योंकि ये मैं बता नहीं रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसे लगाई भी हूँ अपने बालों में। मैं आगे इस बताऊँगी इसे किस तरीके से मैं हेयर पे लगाई हूँ। सो इसे इतने ऑयल को मैं रख दूंगी, बाकी थोड़ा सा मैं ऑयल को बचाई हूँ और अपने बालों में अभी मैं लगाऊंगी इस ऑयल को। सो देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे रख देंगे
क्योंकि गाइस बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बालों में लगा ले रही हूँ इस तरीके से, स्कैल्प पे आपको ज़्यादा लगाना है ताकि वहाँ से ही आपके जो बाल हैं वो झड़ते हैं, तो आपको स्कैल्प पे बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे लगाना है और आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम आराम से आपको लगाना है तेल को कुछ इस तरीके से। और आप अपने हेयर लेंथ को भी मत भूलिएगा, सो इस तरीके से आपको लगा लेना है। सो गाइज ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इस ऑयल को गाइज ये मार्केट में अगर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कीमती मिलता है और वैसा कुछ खास नहीं रहता है, सिर्फ प्रिजर्वेटिव एक्स्ट्रा मिलाए हुए होते हैं ताकि उसकी जो लाइफ लाइन है वो ज़्यादा दिन तक टिक सके, बाकी वो जो हेयर ऑयल होता है। सो गाइज आई जस्ट होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो गाइज तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और आप अपने घर में गाइज इस तरीके का ऑयल बना सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।